क्या बिहार में इंडिया रुकेगा एनडीए का जीत का रथ? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव चंद महीने दूर है और हाल ही में एक सर्वे आया है कि आज अगर लोकसभा चुनाव हो गए तो कौन सी पार्टी को कितने वोट मिलेंगे। अब बिहार का सर्वे जो है वो चौंकाने वाला है। जिस पार्टी को जितने ज्यादा वोट मिले हैं सब बताएंगे आपको, लेकिन ये सवाल अपने दिमाग में रखिएगा कि इंडिया, क्या इंडिया एनडीए का रथ रोक पाएगा। आइए देखते हैं। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। ईटीजी रिसर्च के सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहां से 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी सब हैं, 15 से 17 सीटें अपने नाम कर रहे हैं। जिसका मतलब यह हुआ कि एनडीए ज्यादा सीटें अपने नाम कर रहा है इंडिया गठबंधन से। एनडीए के पास ज्यादा सीटें जा रही हैं, 20 से 24 यह अनुमान ईटीजी सर्वे में लगाया गया है। अन्य को 0 सीटें यानी शून्य सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 15 से 17 और एनडीए को 22 से 24 सीटें, यानी बिहार में एनडीए का दबदबा कायम रहने वाला है। ये ईटीजी सर्वे का कहना है कि अभी अगर लोकसभा के चुनाव हुए तो बिहार में एनडीए आगे रहने वाला है। वोट प्रतिशत की भी बात करते हैं। ईटीजी सर्वे के मुताबिक आज अगर चुनाव होते हैं तो वोट प्रतिशत किसके पास ज्यादा जाएगा? 47% वोट एनडीए को मिलने वाले हैं, ये ईटीजी सर्वे में अनुमान लगाया गया है, जबकि इंडिया गठबंधन को 43% वोट मिल सकता है। और वहीं अन्य 10% वोट से इन्हें संतुष्टि लेनी पड़ेगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है क्योंकि एनडीए को 47% वोट मिल रहा है, यानी लगभग 50%, और यही वजह है कि ये सीटें जो हैं एनडीए की यहाँ ज्यादा बताई जा रही हैं, ये ईटीजी सर्वे में अनुमान लगाया गया है। तो अच्छी खबर तो नहीं है इस सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के लिए, लेकिन हालांकि अभी चंद महीने बाकी हैं लोकसभा चुनाव के लिए, तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। और ये ओवरऑल में भी, पूरे देश में भी बीजेपी आगे दिख रही है। बीजेपी को यहाँ 308 सीटें मिल रही हैं, पूरे देश में 328 सीटें इस बार बीजेपी ला सकती है। पिछली बार आपको याद दिला दें 303 सीटें बीजेपी की आई थी लोकसभा चुनाव में, बंपर जीत मिली थी। इस बार भी ऐसा ही होता दिख रहा है, ये ईटीजी सर्वे का कहना है। जबकि कांग्रेस सीटें तो बढ़ रही हैं, लेकिन अगर बीजेपी की सीटों से तुलना करें तो वो बहुत कम है, 52 से 72। बाकी पार्टीज की आप भी देख सकते हैं सीटें कितनी हैं, लेकिन कोई भी बीजेपी के टक्कर में नहीं है, यानी बीजेपी सबसे आगे रहने वाला है, ये ईटीजी सर्वे का अनुमान है। और बिहार में 40 में से 22 से 24 सीटें एनडीए के पास जा रही हैं, जबकि 15 से 17 सीटें इंडिया के पास। ये सर्वे ये दिखाता है कि इंडिया को अभी भी काम करने की जरूरत है, इंडिया गठबंधन को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को, सभी को, राहुल गांधी को, सभी को अभी काम करने की जरूरत है इस सर्वे के मुताबिक, क्योंकि चंद महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव में। अगर इस नतीजे को नहीं पलटा तो एनडीए को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या इंडिया गठबंधन एनडीए को बिहार में रोक पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।